शाम हो गए, नहा धो के रेडी। अभी पहले हम खाएंगे आम, उसके बाद बनाएंगे लस्सी, क्योंकि रायपुर में 45 डिग्री पहुंच चुका है गर्मी। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही, इतनी ज्यादा गर्मी कि यहाँ एसी चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, हॉल पे आ रहे तो एकदम गर्म, तो जहाँ थोड़ा ठंडा और जहाँ थोड़ा बाहर आए तो गर्म, तो यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे कूलर ऑन कर दिया है, थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं क्योंकि ज्यादा एसी पे रहेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रहेंगे तो तबीयत खराब हो सकती है, तो इसीलिए अभी पहले हम लोग खाते हैं आम, उसके बाद आप लोगों से। तो गाइस वेलकम टू मैतरंगी ब्लॉग्स, और अभी हम लोग जा रहे हैं आंटी को छोड़ने के लिए स्टेशन। आंटी जा रही है भोपाल वापिस और आज आंटी बहुत ज्यादा खुश है। क्यों खुश है वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि हम लोग वापसी में करने वाले हैं पार्टी। यहाँ देखो फरमाई से चल रही, शिकायत हो रही है हर्षु की। यहाँ हर्षु, यहाँ रवि पे चला रही गाड़ी। ओ देखो मजा आ रहा है ना सना, दे देखो हाय करो हाय हर्षु। यहाँ जा रही आंटी, आंटी 5 नंबर में आ रही ट्रेन। रवि भैया स्टेशन में रोना मत, ये देखो एक जने को। ओए सोना घूम जाएगी इधर, कहाँ है 5 नंबर? 5 नंबर, अरे ये तो है 5 नंबर। रवि भैया 5 नंबर, ये 6 नंबर खुले जा रहे। सो आंटी को मिल गई सीट, चलो 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 जल्दी, ठीक है आंटी बाय। अब आप जल्दी आओ, जल्दी से हॉस्पिटल दिखा के, ठीक है? अच्छे से रहना बेटा, जिद नहीं करना, अच्छे से रहना। आप भी अच्छे से रहना, जल्दी आना, आपके बिना बोर लगेगा नहीं तो हम लोग। किसी करो किसी करो, आंटी जा रही है। सुन सीधे बैठो। ओ देखो रवि भी आ गए। तो इस पार्टी का खुशी ये है, वो रवि भैया बताएंगे। रवि भैया पार्टी का कारण बताए कि रवि भैया का फाइनली डिवोर्स हो गया, तो उसकी पार्टी में आए हम लोग फाइनली। अब हम रवि भैया के लिए दूसरी पत्नी और हर्षु के लिए दूसरी मम्मा ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए आप लोग कितने साल से परेशान थे? 2-3 साल से। तो जो इसको मैं घर जाके बताऊंगी क्लियर। अभी हम लोग पार्टी करते हैं। चोटी दिखा, चोटी, वाओ चार चोटी वाली। ओ मेरी म्याऊ म्याऊ, इधर देखो म्याऊ म्याऊ। कितने क्यूट लग रहे हो भैया आप, कितने क्यूट क्यूट लगते हो, इतने क्यूट क्यों लगते हो आप? छोना इधर भी देख लो, मम्मा को भी देख लो, इधर देखो जल्दी 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 जल्दी, ये देखो गाइस कितनी क्यूट लग रही छोना। आज है 5 जुलाई वृक्षारोपण दिवस, जिस दिन सारे लोग पेड़ लगाते हैं। आज के दिन सभी को पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में पेड़ों की कमी है, जिस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही है और आगे ये बढ़ता ही जाएगा। इसको अगर रोकना है सही समय पे तो हम सबको पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ वृक्षारोपण दिवस का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें हर दिन पेड़ लगाने चाहिए जब हमें टाइम मिले। तो हमारे कॉलोनी में ये दिवस बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा था। हमारे अध्यक्ष श्री मदन बघेल जी के साथ मिलकर सारे कमेटी मेंबर मिलके पेड़ लगा रहे थे और वृक्षारोपण का दिवस मना रहे थे। सारे सोसाइटी वालों को हमारी तरफ से इस दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको भी। हमेशा की तरह जब भी पीरियड आता है बाबू मेरे डार्क चॉकलेट लेके आते हैं, धूप पे वो थक गए थे। अभी शाम हो गया है, 7:30 बज रहे हैं, आज बाबू जल्दी ड्यूटी चले गए हैं। तो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी ये कि
अभी जो लास्ट सॉरी इसी वीडियो के शुरू में आपने देखा कि हम पार्टी मना रहे हैं डिवोर्स की, तो मेरा डिवोर्स नहीं था, वो रवि भैया का डिवोर्स हो रहा था जिसकी हम पार्टी मना रहे थे। वो 2 साल से परेशान थे, अपने बेटे को लेकर के रहते हैं और उनकी बीवी आ नहीं रही थी, बच्चे के लिए भी नहीं आ रही थी और वो अलग होना चाह रही थी। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम आना चाहती हो, मैं अभी भी रखने तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो रवि भैया ने डिवोर्स लेना सही फैसला समझा और अब वो सेकेंड शादी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हिंदुओं में जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक की दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, चाहे आप 5 साल से क्यों ना अलग रह रहे हो। तो वो फाइनल हुआ तो जिसके हमने पार्टी मनाई, फिर आंटी को हमने स्टेशन छोड़ा, उसके बाद कुछ कामों में मैं बिजी चल रही थी। एंड अभी मैंने ऑयल लगा लिया है हर्बल वाला, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये ना आदिवासी ऑयल बहुत ज़्यादा चल रहा है, सो अभी हम मेले में गए थे तो मैंने लेके आई थी, बॉटल ख़त्म होने वाली है, मैं ट्राई करके देखना चाहती थी, बाबू के लिए मैंने लेके आई थी और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लूँ। तो कुछ हफ्तों से मैं भी लगा रही हूँ और इसका रिजल्ट सच में बहुत अच्छा है। जो मेरे थोड़े मोड़े बाल झड़ रहे थे वो भी बंद हो गए और बाबू के जो बाल झड़ चुके थे वो ग्रोथ कर रहे हैं। सो अभी हमें ये और ऑर्डर करना है। एंड ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि थोड़ा बिजी चल रही हूँ बहुत सारे कामों में, वो आगे आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि भले ही मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ जिससे आपको पता चल जाता है कि किस पे बिजी थी, किस वजह से मैं बिजी चल रही थी। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अभी मैं जा रही हूँ बाहर हवा खाने, रायपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, आज 47 डिग्री पहुँच चुका है, अभी रात के 7:30 बजे शाम के, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।